हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे आप अपना राउटर या मॉडेम यूज़ करके एडल्ट वेबसाइट्स या फिर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को अपने पूरे नेटवर्क पे ब्लॉक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी छोटी उम्र है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, खासकर छोटे लड़के जिनकी उम्र बहुत ही कम है, उन लोग मोबाइल पे और टैबलेट पे या फिर अपने लैपटॉप पे इंटरनेट का यूज़ करके आराम से पोर्नोग्राफिक कंटेंट को या तो डाउनलोड कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन स्ट्रीम करके देख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, आप उस लिंक को फॉलो करिए और वहाँ पर जो उस आर्टिकल को पढ़िए पूरा, आपको पता चलेगा कि जो पोर्नोग्राफी है ये एक एडिक्शन है और ये सिगरेट की तरह या फिर निकोटीन की तरह या फिर अल्कोहल की तरह या फिर बोल सकते हैं और भी बहुत सारे जो एक ड्रग्स हैं उनकी तरह ये भी बहुत ही एडिक्टिव है। और दूसरी चीज़, आपके ये पूरे ब्रेन को रिवायर कर देगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसको आप खोलिए और पढ़िए उसके बारे में कि पोर्नोग्राफी कैसे हमारे ब्रेन को रिवायर कर देता है। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे अपना राउटर का यूज़ करके एडल्ट वेबसाइट को अपने नेटवर्क पे ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट डिवाइस पे अपना ब्राउज़र खोलिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, जो भी है। अब उसके बाद उसका जो एड्रेस बार है उसमें आप अपना राउटर का आईपी एड्रेस टाइप कीजिए। जैसे मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। देखिए, अगर आपको अपना राउटर का आईपी एड्रेस नहीं मालूम है तो उस केस में आपको राउटर के साथ जो मैनुअल आया उसको खोलिए और देखिए कि उसमें आईपी एड्रेस लिखा है क्या। इन केस उसमें भी नहीं लिखा है तो आपको अपने आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपका आईएसपी एयरटेल है, तो आप एयरटेल के कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए, उनको बताइए कि मेरा ये फ़ोन नंबर है और मैं आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप मुझे मेरी राउटर की आईपी एड्रेस बताइए। तो हो सकता है उन लोग या तो फ़ोन पे ही आपको बता दें उसकी आईपी एड्रेस, या फिर हो सकता है कि आपके घर में उनका कोई टेक्नीशियन आके विजिट करे और आपको तब अपने राउटर की आईपी एड्रेस मालूम पड़े, या फिर मेरे हिसाब से तो आपको फ़ोन पे ही उन लोग बता देंगे। इन केस अगर समझ लीजिए कि आपने अपना राउटर का आईपी एड्रेस रीसेट कर दिया है, जैसे नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेसेस रहते हैं वो यही रहते हैं 192.168.1.1 या फिर 192.168.0.1, इसके अलावा आपने कुछ रीसेट कर दिया तो आप डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ये जो तो मैंने आपको बताया इनको नहीं यूज़ करना है, आपने रीसेट करके जो आईपी एड्रेस नया लगाया था उसको अब आपको डालना है। और इनकेस अगर आप कम्प्लीटली भूली गए आईपी एड्रेस और आपका आईएसपी भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो फिर तो आपको मेरे हिसाब से पूरा राउटर ही रीसेट करना पड़ेगा और फिर उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी वेबसाइट में जाके देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल की आईपी एड्रेस क्या है। वैसे ज़्यादातर राउटर की यही आईपी एड्रेस रहती है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, या फिर 192.168.0.1 रहती है। तो एक बार जब आपने इस आईपी एड्रेस को अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार पर डाल लिया है, अब आप एक्सेस कीजिए इसको। देखिए, अब जो अगला पेज है वो बोलेगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब आपको क्या है, अपना राउटर का पासवर्ड डालना है। जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रहता है मैक्सिमम राउटर का वो रहता है एडमिन, और जो पासवर्ड रहता है वो पासवर्ड ही रहता है, मतलब स्मॉल पी ए एस एस डब्ल्यू आर डी, मतलब यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड इस पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना है। इनकेस अगर आपका कुछ यूज़र नेम पासवर्ड अलग है तो आप राउटर का मैनुअल चेक कीजिए, अगर आपने कुछ और सेट किया है तो उसको डालिए, नहीं तो अपने आईएसपी को कांटेक्ट कीजिए कि भैया मेरा राउटर का पासवर्ड क्या है। तो एक बार जब आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल लिया है करेक्ट, राउटर को एक्सेस करने का लॉगिन पे टैप कीजिए। देखिए, अब आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको अपने राउटर का पेज जो है, देखिए यहाँ पर मेरा जो है राउटर वो बीटेल का है, तो आपका राउटर हो सकता है किसी और कंपनी का हो सकता है नेटगियर का हो या फिर सिस्को का हो, लिंकसिस का हो, टीपी लिंक का हो, डी लिंक का हो, तो जो भी है
सबका इंटरफेस थोड़ा अलग रहेगा, स्क्रीन में जो चीज़ डिटेल दिख रही है वो अलग रहेंगी। तो देखिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसके जो राउटर एक्सेस पेज है, ये जो मतलब राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज बोलेंगे, इसमें आप जाइए और देखिए कि DNS कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, मेरे यहाँ पर डायग्नोस्टिक में जब जाता हूँ मैं, सॉरी एडवांस सेटअप में जब जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर राउटिंग के नीचे DNS लिखा हुआ है, ये देखिए DNS। तो मैं DNS पे टैप करता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, ये ऑप्शन बोल रहा है DNS सर्वर और डायनेमिक DNS। तो देखिए, मुझे अभी क्या है, जो इस ट्यूटोरियल में मैं ओपन DNS का फैमिली शील्ड करके है, उसका एक IP एड्रेस सेट करूँगा, तो मैं DNS सर्वर पे जाऊँगा। तो देखिए, DNS सर्वर के पेज में अपन पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए, आपके इसमें अगर आपने अभी तक कोई भी IP एड्रेस नहीं डाला है, सॉरी अगर आपने अभी तक कोई भी DNS सर्वर नहीं डाला है, तो उस केस में आपका हो सकता है जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो डाला हो, या फिर ये जैसे लिखा है इनेबल ऑटोमेटिकली असाइंड DNS, इस पे ये पहले से सिलेक्टेड हो। जैसे मैंने यहाँ पर दो गूगल का पब्लिक DNS सर्वर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इन DNS सर्वर को चेंज करूँगा। तो DNS सर्वर को चेंज करके अब क्या आपको यहाँ पर डालना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अब आप दूसरा टैब खोल लीजिए। दूसरे टैब खोलने के बाद अब आप इसमें लिखिए ओपन DNS फैमिली शील्ड। ये देखिए, अब ये जो है फैमिली शील्ड राउटर कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन, इस पे आप जाइए। ये आर्टिकल एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है। अब देखिए, यहाँ पर दो IP एड्रेस आपको दिख रही होगी, 208.67.222.123 और 200.67.220.123। तो आप इस IP एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। अब आप वापस अपने राउटर के पेज पे आइए, और ये जो प्राइमरी DNS सर्वर है, मैंने यहाँ पर 8.8.8.8 डाल के रखा है गूगल का IP एड्रेस, तो मैं इसको चेंज करके जो अभी मैंने कॉपी किया है IP एड्रेस को, उसको डाल दूंगा यहाँ पे DNS सर्वर के IP एड्रेस को यहाँ डाल दूंगा। अब जो दूसरा है वो देखिए क्या है अपना, 208.67.220.123। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने, ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। मैं वापस अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाऊंगा, जहाँ पर मैं DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और सेकेंडरी DNS सर्वर पे मैं इस IP को पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए हो गया है। प्राइमरी DNS सर्वर में आप डालिए 208.67.222.123, और सेकेंडरी DNS सर्वर में आपको डालना है 208.67.220.123। एक बार जब ये हो जाए तो आप सेव बटन पे टैप कीजिए। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है अब आपके राउटर में। आप चाहें तो अब अपने राउटर को मैन्युअली रिबूट कर लीजिए, या फिर आप अपने राउटर के मैनेजमेंट पेज पे जाइए और यहाँ पर देखिए सेव एंड रिबूट लिखा है, इस पे जाइए और अपने राउटर को रिबूट कर लीजिए अपने ब्राउज़र का यूज़ करके। ये देखिए, योर DSL राउटर हैज़ बीन रिबूटेड। मैं एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि मेरा रिबूट हो जाए राउटर, उसके बाद मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, मेरा राउटर रिबूट हो चुका है, और अब देखिए मैं एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट का एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, गूगल पे मैंने डाला हूँ। अब देखिए, जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया block.opendns.com, दिस डोमेन इज़ ब्लॉक ड्यू टू कंटेंट फिल्टरिंग, द साइट वॉज कैटेगराइज इन पोर्नोग्राफी। डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन में आप जाइए, तो ये आपको
उस वेबसाइट की आईपी एड्रेस दिखाएगा। सॉरी, ये शायद तक मेरा खुद का आईपी एड्रेस है। जो भी है, देखिए ये वेबसाइट ब्लॉक हो गई है। अब ओपन डीएनएस फैमिली शील्ड के डेटाबेस में जितनी भी और भी पोर्न वेबसाइट्स होंगी वो सबको ब्लॉक्ड कर देगा। पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो राउटर का पासवर्ड है वो सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए और ऐसे किसी इंसान दूसरे इंसान को नहीं मालूम होना चाहिए जो आपका राउटर के अंदर जाए और इस डीएनएस सर्वर को चेंज कर दे। तो आप अपने राउटर का, अगर आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन और पासवर्ड है, आप जाइए ओपन डीएनएस फैमिली शील्ड को कॉन्फ़िगर कीजिए, उसकी आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड्स हैं उस पर डालिए, सेव कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को, एक बार टेस्ट कर लीजिए कि एडल्ट वेबसाइट आपके नेटवर्क पे अब ब्लॉक हो रही है कि नहीं। एक बार जब वो ब्लॉक होना चालू हो जाए तो आप अपना राउटर का पासवर्ड चेंज कर लीजिए, या तो आप नेट पे सर्च कीजिए कि आपका जो भी राउटर है, जो भी मॉडल नंबर है या जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है, उसकी वेबसाइट पे जाके पढ़िए कि आपका जो राउटर है उसका पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, या फिर आप अपनी जो उसके साथ मैनुअल आई है उसको पढ़िए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।